हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी करवा चौथ मेकअप लुक, जो आप लोगों ने मुझसे काफ़ी डिमांड भी की थी करवा चौथ मेकअप लुक का। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करके करवा चौथ मेकअप लुक 2020, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सिंपल से स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल स्टेप्स नहीं है, और मैंने थोड़ा इस लुक में थोड़ा मॉडर्न टच दिया है। आई होप आपको ये लुक मेरा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो ध्यान से वीडियो देखिएगा, और जो भी प्रोडक्ट इस वीडियो में मैंने यूज़ किए हैं वो मैं आपको नीचे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ इस मेकअप लुक में मैंने एक नायका का हॉल भी शेयर किया है, आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए नायका की हॉल देखने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखें। अब मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बायोटेक का लिप बाम, फिर मैं अपने फेस पे लगाऊंगी गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग फील देता है। फिर मैं अपने फेस पे लगाऊंगी गार्नियर का सैरम कम मॉइस्चराइज़र, ये एक सैरम फॉर्म में है, ये आपके फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है विदाउट चिप चिप। फ्रेग्रेंस सो ऑसम, बहुत अच्छे से आपको चेहरे को मॉइस्चराइज़ करता है, बिल्कुल स्किन ड्राई नहीं होती है और बहुत बजट में भी है। अब मैं इसके बाद लगाऊंगी नायका का प्राइमर, ये आपके मेकअप को एक बहुत अच्छा बेस, स्मूथ और बिल्कुल ही ग्लोइंग वाला बेस दे देता है। फिर मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ये मैं अंडर डार्क एरियाज़ में लगा रही हूँ, जहाँ भी आपके पिगमेंटेशन है आप वहाँ लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ये हाइड करता है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी बहुत अच्छे से। अब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, शायद ये मेरे एक शेड से डार्कर आ गया है बट काम चल जाएगा। मैं इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा रही हूँ, उसके बाद मैं ब्रश से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे ब्यूटी ब्लेंडर सारा ब्रश से ब्लेंड करना पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद है। फिर मैं लूज पाउडर से इसे सेट कर लूंगी अच्छे से, ताकि मेरा मेकअप का बेस अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैं एक आईब्रो ब्रश लेके, इस टाइप का ही आपको ब्रश रहना है, एक साइड से ऊपर रहता है एक साइड से नीचा, उससे आईब्रो में अपनी आई शेड पैलेट से एक कलर लेके आईब्रोज में लगा लूंगी, आईब्रो फिल कर लूंगी अपनी। फिर मैं मेबलिन का कंसीलर लिक्विड लेकर अपने आई के ऊपर लगा लूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ मेकअप करना है, तो ये मेरे आई शेड कलर्स को बहुत अच्छे से दिखाएगा। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का हल्का उसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं आई शेड पैलेट से लेके जिस कलर का मैं ड्रेस पहनने वाली हूँ उस कलर के मैंने दो आई शेड चूज़ करे हैं। मेरा ड्रेस क्योंकि ऑरेंज कलर का है तो मैं ऑरेंज शेड लेकर लगा लूँगी अपनी आई पे, और गोल्डन भी है मेरी ड्रेस में कलर, तो मैं साइड कॉर्नर में गोल्डन कलर का टच दूंगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हल्के से स्टेप फॉलो करके ही लग जाएगा। अब आईब्रो के नीचे ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए NY का ब्लिंकिन आई शेडो पैलेट मैंने यूज़ किया है, बहुत मिनी और छोटा वाला आई शेडो पैलेट है, ये हल्का हल्का ब्लिंकी टाइप ब्लिंक करता है। अब मैं अपनी आईज पर SQ का काजल से लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, और इसे नीचे काजल की तरह भी लगा लूँगी मैं। आईलाइनर से ज़्यादा बेस्ट मुझे गाइस यही लगता है काजल, बहुत इजी एप्लीकेशन होती है, बहुत अच्छे से लग जाता है, चाहे जैसा आप शेप बिना हाथ हिले दे सकते हैं। अब मैं अपनी आईज पे मस्कारा लगाऊंगी, मस्कारा मैं ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ। गाइस जैसे मैं मस्कारा निकाल रही हूँ आप सब भी इसी ट्रिक से निकाला करिए, बार बार ब्रश बाहर निकाल के अंदर डाल के मत निकाला करिए, इससे आपके मस्कारे में एयर जाती है। देख सकते हैं आप मेरा आई मेकअप। अब मैं नायका का लिप शेड यूज़ कर रही हूँ जो क्रीमी मैटी है, ये कुछ मरून टाइप का कुछ डार्क लिप शेड है। अमेजिंग, कितना अच्छा पिगमेंटेशन है, एक ही स्वेप में कितने अच्छे से लग गया। अब मैं आई शेड पैलेट से अगेन वही ऑरेंज कलर लूँगी जो मैंने अपनी आई शेड में यूज़ किया है, उसे लेके मैं अपने लिप्स पे लगा लूँगी। और मैं ये इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ताकि मेरे ड्रेस से मेरा लिप शेड मैच कर सके। अगर आपके पास भी किसी ड्रेस के मैचिंग का लिप कलर नहीं है तो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। अब मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूंगी अपने आई शेड पैलेट से ही ब्राउन आई शेड लेकर, ये मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना प्यारा क्यूट सा सोबर सा मेकअप लग रहा है, अच्छे से चमकता हुआ लग रहा है आपका फेस। ये मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है आउटफिट, अब आउटफिट के साथ आप मेरा फाइनल लुक देख सकते हैं।
नायका का सुपर अफोर्डेबल हॉल जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए वीडियो में बने रहे नायका का सुपर अफोर्डेबल हॉल देखने के लिए। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो और कैसा लगा आपको मेरा ये सिंपल सा अफोर्डेबल करवा चौथ मेकअप लुक? आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आएगा। और 2020 में कुछ तो चेंज होना चाहिए ना करवा चौथ के लुक्स में, थोड़ा मॉडर्न लुक होना चाहिए ताकि सब मैं आप एकदम खास लगें, आपसे किसी की नज़र हटे ही ना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। और आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली होने वाली है। और इस वीडियो में एक सरप्राइज़ और भी है आपके लिए, और वो सरप्राइज़ है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये नायका हॉल जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, इस नायका हॉल में मैंने क्या क्या मंगाया है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने हॉल में क्या क्या मंगाया है, सो पहले खोलेंगे ये छोटा वाला बॉक्स। इसमें मैंने मंगाया है, क्योंकि इन दोनों फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छी वाली सेल चल रही है नायका पर्पल सब पर। फिलहाल मैंने ये नायका से ऑर्डर किए हैं प्रोडक्ट्स। तो फर्स्टली मैंने ऑर्डर किया है, ऑब्वियसली बात है, ये इसमें से एक ब्रश कम आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे निकाल लिया है। और ये तो वैसे भी हर घर में इसकी तो सबको ज़रूरत होती ही है। तो गाइज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लगे। पहली बात तो ये ब्रांड है, ओरल बी के हैं, और दूसरी बात ये 150 के थे जो कि मुझे 99 रुपीज़ में मिले हैं, वो भी सिक्स ब्रशेज़ मुझे ओनली 99 में मिले हैं, वो भी ओरल बी के। अच्छा वाला ब्रांड है, एक खोल के दिखाती हूँ कि खुल चुका है। तो ये देखिए, अच्छा वाला ब्रांड है, ओरल बी अच्छा होता है, और इसकी तो सभी के घर में ज़रूरत ही होती है। तो इसको तो आप ज़रूर ऑर्डर कर ही दो, जब 150 की चीज़ हमें 99 में मिल रही है, इतना अच्छा वाला हमें फ़ायदा हो रहा है। तो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये मेबलिन का फाउंडेशन, ये भी मुझे बहुत बजट में मिला है। प्राइस मुझे ऐसे सबके याद नहीं है, ये जितना इसका MRP का प्राइस था मुझे ये उससे काफ़ी हद तक कम में मिला है, काफ़ी 20-30 रुपीज़ का जितना भी हो, काफ़ी मुझे अच्छा सा इसमें डिस्काउंट मिला है। और सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ मुझे बहुत क्यूट सा गिफ्ट मिला है, और वो क्यूट सा गिफ्ट है ये स्टिकर्स, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये इस तरीके से, ये देखिए, ये लिप्स बने हुए हैं, कार बनी हुई है, कोटेशंस हैं गर्ल के लिए, गर्ली कोटेशंस, और ये लिप शेड्स, और ये इस तरीके के बहुत सारे इसमें स्टिकर्स हैं जो आप अगर आप मेबलिन का कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो उसके साथ आपको ये फ्री मिलेंगे। अच्छा जी, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेबलिन के स्टिकर्स का हम करेंगे क्या, ये बच्चों वाली चीज़ है? नहीं, ये बच्चों वाली चीज़ नहीं है, ये कुछ गर्ली टाइप के कोटेशंस या स्टिकर्स हैं जिन्हें आप चाहें तो अपनी अलमीरा में स्टिक करके रख सकते हैं, और फ्री में मिल रहा है। जब आपको मिल ही रहा है ये कुछ परचेस करने पर, तो इसका यूज़ डेफिनेटली आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, किसी पर भी स्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं खोलती हूँ दूसरा वाला बड़ा पार्सल, इसमें बस यही दोनों चीज़ें थी, ये खोलती हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है मामा अर्थ का ये विटामिन सी का टोनर। टोनर बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए, विंटर आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप टोनर को बिल्कुल स्किप मत करिए। इसको ये इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आता है, इसको आप चाहें तो कॉटन से ले लेके भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल खाली रखी हो तो उसमें डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं अपनी बॉटल पर। और ये आपके पोर्स को एकदम टाइटनिंग करता है। इसमें विटामिन सी है और कुकुम्बर है जो आपकी स्किन के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, और इसमें लेमन भी है। एल्कोहल फ्री है, डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है, ऑल स्किन सूट टाइप्स है, यानी ऑल स्किन को ये सूट कर जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट तो वैसे भी मैं आँख बंद करके ले सकती हूँ। और नेक्स्ट इसमें मैंने ऑर्डर किया है मिस क्लियर का ये आईब्रो पेंसिल जो बहुत ही अफोर्डेबल है। ये शायद 99 का था, मुझे एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है, मैं लिंक सबके मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें ये स्कूटनी इस तरीके से आपको मिल जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही नेचुरली सा लुक देता है आईब्रो को, अगर आप नॉर्मली डेली यूज़ में चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस वर्क में, या फिर आप चाहें तो हल्के फुल्के पार्टी फंक्शन में आपको ये बिल्कुल नेचुरली वाला लुक दे सकता है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मंगाया है गार्नियर का ये मॉइस्चराइज़र। ये गार्नियर का मॉइस्चराइज़र पहली बात तो मुझे बहुत अफोर्डेबल में मिला है, ये आई थिंक इसका प्राइस 150 के समथिंग था जो मुझे सिर्फ 99 रुपीज़ में मिला है, क्योंकि नायका पे सेल चल रही है। ये है लाइट कंप्लीट मॉइस्चराइजिंग सैरम इन लोशन, यानी ये सैरम के फॉर्म में है, और इसमें विटामिन सी है विद यूवी फिल्टर भी। बाहर जा रहे हो इसे लगा के, अगर आप बाहर जाओगे तो आपको जो धूप से होने वाला नुकसान है वो भी नहीं होगा।
स्मेल इज़ रियली नाइस, यूवी प्रोटेक्शन है, सैरम फॉर्म में है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, बहुत इजी एप्लीकेशन है, निकालो और लगा लो और बहुत अच्छे से फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और क्या चाहिए, अफोर्डेबल भी पड़ा है। नेक्स्ट मैंने मंगाया है निविया का ये पर्ल ब्यूटी डिओड्रेंट, एक तरीके से देखा जाए तो इसे डिओड्रेंट ना कह के आप बॉडी फ्रेशनर कह सकते हैं, क्योंकि इसे लगाने के बाद एकदम फ्रेशनेस सी फील होती है, ऐसा नहीं लगता है कि हमने डिओड्रेंट लगाया है, या इतनी ज़्यादा हार्ड वाली फ्रेग्रेंस नहीं होती है कि जो बहुत दूर से दूसरे को फील हो जाए कि हमने लगाया है। ये सिर्फ आपके फ्रेशनेस के लिए है, ये अल्कोहल फ्री है, पहली बात ये अल्कोहल फ्री है, और इसे जब भी आप अप्लाई करोगे ये इस तरीके से ऐसे करके कुछ खुल जाता है और ऐसे करके ये बंद हो जाता है, बहुत इजी एप्लीकेशन है। जब भी आप इसको अप्लाई करोगे इस तरीके से इसे शेक कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से खोल के फिर आप अपने बॉडी अंडरआर्म जहाँ भी आप इसको लगाना चाहते हो, बहुत अच्छी वाली काम और रिफ्रेशिंग स्मेल है, फ्रेग्रेंस है गाइस। इसे डेली यूज़ के लिए जब भी आप नहाओ, नहाने के बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हो अंडरआर्म्स में, अंडरआर्म वाइटनिंग का भी ये काम करता है, अंडरआर्म को वाइटनिंग रखता है, फ्रेश रखता है, ओडो फ्री रखता है, और ये भी मुझे सेल में मिला है, और क्या चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने मंगाया है बायोफ्रूट का ये लिप बाम, ये लिप बाम मुझे रिसीव हुआ है, इसमें भी मुझे शायद डिस्काउंट मिल गया था, ये लिप बाम मुझे 135 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर सही बजट में पड़ा है। ये एक लिप वाइटनिंग लिप बाम है, ये आपके लिप्स को लाइटन करता है, लिप की टोन को बहुत अच्छा कर देता है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये फ्रूट तरीके का, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, और बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही स्मूथ है, और हल्का हल्का सा एक रेड टाइप का ये कलर आपके लिप पर देता है, बहुत बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये देखिए इस तरीके की कुछ पैकेजिंग में आता है, इस तरीके का रेड कलर का ये लिप बाम है, और अगर आपने इसे एक भी परचेज़ कर लिया, अगर ये 135 के समथिंग का भी आपको पड़ा है, मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है, शायद मुझे इससे कम का ही पड़ा है नायका पे, वैसे इसका प्राइस 135 है, मगर ये सेल में आपको और सस्ते में मिल जाएगा। अगर आपने एक भी इसको परचेज़ कर लिया तो ये 1-2 मंथ तो ईजिली चल जाएगा, मेरा तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी क्वांटिटी है और बस थोड़ा सा ही लेने पर ये काफ़ी सारा अच्छे से लग जाता है, और 3-4 घंटे तक, अभी तक मैंने इसे जो एक बार यूज़ किया है 3-4 घंटे तक, तो ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है, तो मैं इसको आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगी। सबसे बड़ी बात है ये आपके लिप की वाइटनिंग करेगा, लिप वाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा वाला फ्रूट लिप बाम है। मेरा नायका का अफोर्डेबल हॉल, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेस्टिवल सीजन सेल चल रही है, तो वहाँ से आप जो भी चाहें अपने मनपसंद के प्रोडक्ट ले सकते हैं, और अगर आप, मुझे पता है जो मैंने दिखाए हैं ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले, बहुत डेली नीड्स की चीज़ें हैं जो सभी को यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइक समर सीज़न आ रहा है, विंटर सीज़न आ रहा है, समर में भी वैसे ज़रूरत पड़ती है, तो ये लिप बाम बहुत ही ज़रूरी है, मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़रूरी है, और तो 99 में इतना सस्ता मिल रहा है, और ये बाकी आप लोग को सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।